हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद का जो रिक्रूटमेंट आया था इसी ईयर फरवरी और मार्च के बीच में, तो उसका यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया जिसमें आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक वाले एलिजिबल थे। साथ ही साथ ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन के लिए भी कुछ पोस्ट थे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड इसका रिलीज़ कर दिया गया, देख सकते हैं आप अभी का नोटिस है यहाँ पर जुलाई 19 का। तो ये आपका डिटेल्स है फर्स्ट में, उसके बाद सेकंड में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर टू डाउनलोड द कॉल लेटर। तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करना है, देन अपना यहाँ पे हिंदी इंग्लिश कोई भी आप अपना लैंग्वेज चूज कर लीजिए, मान के चलिए इंग्लिश लैंग्वेज चुना है। देन यहाँ पे अपन रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर जो भी आपका पास अवेलेबल है अभी उस एज को आपको फिल कर लेना है। जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिला होगा और रोल नंबर भी मिला होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, तो डेट ऑफ बर्थ को इसी फॉर्मेट में फिर यहाँ पे फिल करना है, देन कैप्चा, देन लॉगिन कर लेना है और अपना एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कर लेना है। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ पे डिटेल दिया गया एग्जामिनेशन से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनेशन IBPS ले रहा है, तो ये आप देख सकते हैं इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन हैंड आउट दिया गया आपका कि किस पोस्ट में किस हिसाब से एग्ज़ाम होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मैक्सिमम मार्क्स होंगे, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज टाइमिंग सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना, जिस भी पोस्ट में आपने अप्लाई किया हो जूनियर टेक्नीसियन या फिर सुपरवाइज़र जो भी आपका हो पोस्ट ड्राफ्ट्समैन वगैरह। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखा गया कि आपका कोई भी नेगेटिव नहीं है, देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क बाय यू। तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, अच्छा बात है। एडमिट कार्ड पे भी आपका लिखा रहेगा जब आप डाउनलोड कीजिएगा, तो आप वहाँ पे भी मैच कर लीजिएगा। तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं कि आपके यहाँ पे सैंपल क्वेश्चंस, तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने अप्लाई किया था तो ज़रूर अपना एडमिट कार्ड टाइम से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का भी यहाँ पे देख सकते हैं आप टाइमिंग रखा गया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 तारीख से स्टार्ट हो चुका है एडमिट कार्ड और 31/7/2021 तक ये एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होना लगेगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप। सो सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।